सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्त। सामने खड़ी हुई है X440, अभी हार्ले डेविडसन की तरफ से आने वाली सबसे सस्ती कह लो या अफोर्डेबल कह लो या चीपेस्ट कह लो, कुछ भी नाम आप इस बाइक को दे सकते हो। अब ये जो मॉडल है ये इस बाइक का बेस वेरिएंट है। इस बाइक का नाम है हार्ले डेविडसन X440 मस्टर्ड डेनिम। ये जो मतलब ये X440 आई है जो ना नई वाली, उसका बेसिक वेरिएंट है, जो मतलब सबसे बेस मॉडल आपको देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब इस गाड़ी में क्या क्या है क्या नहीं है मैं बताऊंगा मैं इस वीडियो में, बने रहिए इस वीडियो में। कितनी प्राइस रेंज पड़ रही है इस गाड़ी की, क्या है इस गाड़ी में क्या नहीं है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सो स्टार्टिंग करूं मैं इस गाड़ी की फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको इस गाड़ी को देखने को मिल जाएगा कुछ ऐसा लुक जो कि मतलब कुछ पूरा का पूरा क्रूजर वाला लुक है, जो कि स्पोर्टी के साथ थोड़ा बहुत डिजाइन करा गया। अगर मैं इसके हेडलैम्प एक बार ऑन करके दिखा दूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये पूरा का पूरा DRL। ये इसकी लो लाइट है और इसकी हाई बीम है। यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हार्ले डेविडसन की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी जब मैं इसका एक्सपोजर बिल्कुल कम कर दूंगा। अगर मैं बात करूं इधर से तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं इसके क्या कहते हैं हैजार्ड वाले लाइट्स, जो कि दोनों की दोनों लाइट जो दी गई है वो पूरी की पूरी आपको LED में देखने को मिलेगी। ठीक, ये तो हैजार्ड इसके बंद कर देता हूँ पहले मैं, वरना इसकी हो जाएगी बैटरी डाउन। ठीक, ये तो हो गया इसका फ्रंट से लुक, गोल हो गई लाइट, LED आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, आपको यहाँ पे मीटर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इधर से अगर मैं आता तो अपसाइड डाउन वाले आपको देखने को मिल जाते हैं। सस्पेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक मेटल का क्या कहते हैं मडगार्ड। नीचे अगर मैं आता हूँ आपको 320 NM का मिल जाता है आपको डिस्क का साइज, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने में ABS जो कि है बाइब्रे का। टायर साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो टायर साइज में एक बार मैं आपको दिखाऊं तो इधर से मैं आपको दिखाता हूँ 90-18 का आपको यहाँ पे टायर साइज देखने को मिल गया। अभी ये बेस वेरियंट है तो इसमें आपको देखने को मिलता है स्पोक व्हील्स, क्योंकि कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं कंपनी करेगी जब आपको 40,000 रुपए सस्ती पड़ रही है टॉप एंड वेरियंट से। ये इसका टॉप एंड वेरियंट है, इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं अलॉय व्हील जो कि डायमंड कट वाले हैं। ठीक, ये बेस वेरिएंट है तो इसमें स्पोक व्हील देखने को मिल जाते हैं। अगर इस साइड से आते हो तो यहाँ पे आपको पूरा फ्रेम देखने को मिलेगा, यहाँ पे पूरा पूरा आपको फ्रेम दिखेगा चेसी जो है, जैसे और मतलब जो प्रीमियम बाइक्स होती है उसमें दिखता है। और यहाँ पे आपको इसके जो टैंक है वहाँ पे आपको हार्ले डेविडसन की यहाँ पे बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी जो X440 की दी गई है। अभी इसका मस्टर्ड डेनिम वाला कलर है, इसे बोलते हैं मस्टर्ड, जो कि मतलब ये कलर है येलो वाला, इसे बोलते हैं मस्टर्ड डेनिम। ठीक, ये बेस वेरियंट में आता है जो कि 40,000 रुपये सस्ता पड़ रहा है इसके टॉप एंड वेरियंट से। ये इसका टॉप वेरियंट खड़ा हुआ है, ये इसका मिड वेरियंट खड़ा हुआ है, और ये वाला जो वेरियंट है ये इसका बेसिक वाला वेरियंट है जो मतलब स्टार्टिंग वेरियंट है। ठीक, इनकी अगर बात कर लूँ तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 440 CC का इंजन जो आपको 27 PS की पावर देगा और साथ ही साथ में 30 NM का टॉर्क देगा जो कि आपको 2000 RPM पे ही मिलने लगता है। ठीक, इस साइड से अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्शन दी गई है जो कि मतलब काफी अच्छी, क्योंकि ये चीज जो है इसकी काफी गर्म हो जाती है। और मैं बताऊँ इसमें एक डिफरेंस जो कि टॉप वेरियंट है इसमें डिफरेंट है, यहाँ पे ब्रॉन्ज का प्रयोग नहीं करा गया, यहाँ पे लोहे का प्रयोग करा गया। और अब दूसरे हाथ पर मैं दिखा दूँ आपको वहाँ जो टॉप एंड वेरियंट खड़ी हुई है, टॉप एंड वेरियंट में यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज का प्रयोग करा गया, ऊपर पूरे में ब्रॉन्ज का प्रयोग करा गया। ठीक, इनकी अगर बात करिए तो टैंक में आपको यहाँ पे कोई भी 3D में एम्बलम देखने को नहीं मिल रहा है, और अगर टॉप वेरियंट की बात करता हूँ तो टॉप वेरियंट वहाँ पे 3D में देखने को मिल जाएगा। मतलब साथ ही साथ में आपको डिफरेंशिएट भी करता हुआ चल रहा हूँ, अगर आप 40,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो आपको क्या क्या इससे इसके कंपैरिजन में मिल रहा है। ठीक, पीछे की तरफ से आता हूँ तो यहाँ पर कोई भी बैजिंग देखने को नहीं मिलेगी, और ये जो चीज़ है ना भाई आपको लोहे के देखने को मिली। एक चीज़ अच्छी क्या बनाई है कंपनी ने, पूरा पूरा मेटल बिल्ड दिया, मेटल हर जगह लोहा, जो कहते हैं ना लोहा, हर जगह पूरी गाड़ी में लोहा दिया। जो प्लास्टिक के पार्ट बनेंगे वो तो बनेंगे, पर कोशिश कंपनी ने ये करी कि पूरा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो मेटल में दी जाए, क्योंकि मजबूती का एक अलग ही लेवल पर ध्यान रखा गया। अगर मैं बात करता हूँ इस साइड से तो नीचे आप जैसे टूर मारते हो, ये गाड़ी टूर के लिए बनी है, क्रूजिंग बाइक है। अगर आप इस गाड़ी से टूर मारते हो तो इसमें अगर बात कर ली जाए कि क्या कहते हैं इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कितना देखने को मिल जाएगा, तो 170 NM का आपको इसमें देखने को मिल जाएगा ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक, अगर बात करें इस साइड से तो पीछे का आपको टायर देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको स्पोक्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, बट हालांकि इसमें एक चीज़ अच्छी दी है, इसमें पीछे भी आपको ABS देखने को मिल जाता है। अगर इस तरफ से बात करी जाए तो इसका जो एग्जॉस्ट है वो पूरा पूरा आपको मेटल के साथ देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो उसका ये थंप है, ये जो उसकी गोल सी दी है ना, इसका जो आपको थंप है वो एक अलग ही लेवल पे भारी सुनने को मिलेगा, जो कि मैं आपको आगे चल के वीडियो में सुनाऊंगा भी। ठीक, इधर आपको स्पोक व्हील देखने को मिल गया। अगर टायर साइज की बात करी जाए तो टायर साइज इसमें जो लिखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, वो दोस्त लिखा है उसमें देखो अंदर जाके लिखा हुआ है 140, मतलब 140 70 17 का टायर आपको उसमें पीछे देखने को मिल जाएगा। और पीछे की तरफ से बढ़ते हैं तो ग्रैब हैंडल कुछ ऐसे दिए गए हैं यहाँ पे, मतलब जो उसका कहते हैं ना आधे पूरे पूरे डिजाइन वाले जो होते हैं कटे होते हैं जो आधे से, जो कि मतलब काफी डिजाइनिंग से लगते हैं। ठीक, अभी एक बार इसकी LED मैं आपको ऑन करके दिखा दूं कि पीछे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। पीछे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इसकी टेल लाइट जो कि LED में दी गई है, नीचे आपको देखने को मिल जाएगी LED जो कि नंबर प्लेट में दी गई है। इस गाड़ी में एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, इस गाड़ी में कहीं भी हैलोजन का प्रयोग नहीं करा गया है, ऐसा टॉप मॉडल में भी है और ऐसा मतलब इसका जो बेस वेरियंट है इसमें भी है, मतलब दोनों गाड़ियों में क्या कहते हैं कहीं भी हैलोजन का प्रयोग नहीं करा गया। ठीक है, मैं इस साइड से बात करता हूँ तो पूरी की पूरी गाड़ी आपको देखने को मिलेगी मस्टर्ड में, पूरी मतलब जो गाड़ी है इधर से पूरी की पूरी आपको ब्लैक में देखने को मिलेगी। नीचे से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसका ये ऑयल कूल्ड वाला चैम्बर, यहाँ पे ऑयल कूल्ड यहाँ पे दिया गया है पूरा का पूरा। ये जो गाड़ी है ये ऑयल कूल्ड प्लस एयर कूल्ड दोनों के साथ आती है, यहाँ पे इसका ऑयल आता है जो कि ठंडा होता रहता है जब आप लॉन्ग राइड्स पर जाते हैं। 6 गियर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर अगर बात करें फुटपैक की तो फुटपैक इसके कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे।
और अब मैं बात कर लेता हूँ गाड़ी की कंसोल की, गाड़ी का जो कंसोल है वो कैसा रहने वाला है। जब आप गाड़ी पे बैठोगे तो इसका कंसोल जब आप ऑन करोगे, तो जब आप ऑन करोगे तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा जो कि हार्ले डेविडसन का लोगो आता है, कुछ ऐसा आपको सीन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको ABS की लाइट यहाँ देखने को मिल जाएगी, इंजन की लाइट यहाँ, ऑडोमीटर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, और क्या कहते हैं फ्यूल गेज आपको यहाँ देखने को मिलेगा, साइड स्टैंड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस बात करी जाए कि इनके मीटर और इसके मीटर में क्या अंतर है, ये इसमें आपको कनेक्टेड वाला फीचर देखने को नहीं मिलता जो कि उस वाले वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इन दोनों में कनेक्टेड वाला फीचर का क्या है, जैसे जियो फेंसिंग आती है, अब क्या है जैसे बेस वेरिएंट है, ये वाला जो अपना खड़ा हुआ ये बेस वेरिएंट है, वो वाला जो खड़ा हुआ टॉप एंड वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट में आपको जियो फेंसिंग देखने को मिल जाती है, और दूसरे हॉर्न पे दूसरे हैंड पे आपको जो इसका बेस वेरिएंट है इसमें कोई भी जियो फेंसिंग देखने को मिलती है। अब जियो फेंसिंग होती क्या है, जैसे आपने मतलब अपना जैसे क्या कहते हैं कोई भी नंबर दे रखा जो आपको बाइक से कनेक्ट हो गया, आप कोई भी मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में कह लो या कह लो आप अपनी बाइक को ट्रैक कर सकते हो, वो इस वाली बाइक में कर सकते हो, इस वाली बाइक में आप नहीं कर सकते क्योंकि इससे थोड़ा बहुत कॉस्ट में तीरी है। अब देखो बताऊं मैं कि आपको ये वाली बाइक कौन लें कौन ना लें, ठीक है। ये बाइक जो डिजाइन करी गई पूरी की पूरी क्रूजिंग के हिसाब से डिजाइन करी है, हार्ले डेविडसन एक जाना माना अमेरिकन ब्रांड है, वो भी आपको पता होगा अच्छी तरीके से। प्रीमियम बाइक जिसे चाहिए, जिसे एक अच्छी आवाज चाहिए और मतलब चाहिए कि एक ऐसा अच्छा ब्रांड में चलाऊं, वो आंख बंद करके इस बाइक की तरफ जा सकता है। भाई 3 लाख रुपए के अंदर की बाइक है, क्योंकि 290 के समवेयर अराउंड ही वाला वेरिएंट पड़ रहा है जो कि इसका बेसिन वेरिएंट है, ठीक। 400 cc का इंजन आपको इसमें देखने को मिल जा रहा है, 27 PS की पावर मिल रही है, 38 Nm का आपको इसमें टॉर्क देखने को मिल जा रहा है, ठीक। इतनी सारी चीजों के साथ हार्ले डेविडसन आपको जब ये चीज प्रोवाइड करवा रहा है तो बुलेट लेने के बढ़िया आप ये वाली बाइक की तरफ जा सकते हैं। और अगर इसके टॉप एंड वेरिएंट का वीडियो देखना वो भी चैनल पर डाला हुआ, दोनों को आप अपने हिसाब से कंपेयर कर लेना। वैसे जो मोटे मोटे चेंजेस थे मैंने आपको बता दी क्या क्या मतलब इसमें फर्क और इसमें फर्क है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो ये पूरी की पूरी बाइक अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए कि आप इस बाइक की तरफ जाएंगे, तो दोस्त मैं पर्सनली अगर मेरे पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा होगा तो मैं इन दोनों वेरिएंट की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हो तो उसमें ये व्हील मुझे अच्छे नहीं लग रहे पर्टिकुलरली, बट इंजन तो खैर दोनों में सेम है, अगर चाहें आप तो व्हील वाले इस वाली में भी डलवा सकते हैं, बट अगर लेनी होगी तो व्हील के साथ लूंगा, मतलब अलॉय व्हील मुझे नेसेसरी है मेरे लिए, बट ना बाइक तो एकदम परफेक्ट है जिसे लेते हैं। हार्ले डेविडसन मिल गई भाई 3 लाख रुपए के अंदर मिल गई, पूरा जलवा हो गया कि हार्ले डेविडसन चला रहे हैं, और ऊपर से इसकी जो आवाज है एक बार आवाज और सुनो तो कुछ ऐसी इसकी आवाज सुनने मिलेगी आपको, एक बार पास से सुना देता हूँ, ये जैसे मतलब ये मेरा माइक है, मतलब कुछ ऐसी आवाज आपको सुनने को मिलेगी इस वाली गाड़ी के अंदर। तो पूरी की पूरी बस वीडियो इतनी थी, मैंने आपको बता दिया कैसी आपकी बाइक मिलेगी कैसी नहीं मिलेगी, तो आपका अब निर्णय है कि आपको लेनी है नहीं लेनी है, आप अपने हिसाब से गाड़ी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।